हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, इस विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे विद कोजी ब्लैंकेट और गरम गरम चाय के साथ। तो आज का ये वीडियो होने वाला है काफी यूजफुल, क्योंकि मैं आपको ऐसे टिप्स और ऐसे सजेशन शेयर करने वाली हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या बहुत फ्रिक्वेंटली हम बीमार पड़ते हैं। हमें सर्दी, जुकाम, फीवर आना, ये बहुत आम सी चीज हो जाती है। या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आते हैं जिसको फ्लू या कोल्ड है, तो हमको फटाक से हो जाता है। या फिर थोड़ी सी भी सर्दी या ठंड पड़ती है तो हमें बहुत जल्दी कोल्ड होने लगता है, बार बार होने लगता है। या आप गर्मियों के मौसम में बाहर निकलते तो बहुत जल्दी आपको लू पकड़ लेती है। या फिर आप काम करते करते बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है, जिसको आपको स्ट्रांग बनाना है। तो इसको स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ टिप्स आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को चलिए बढ़ाते आगे। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए मैं आपको आज देने वाली हूँ दो टिप्स, जिसमें पहला रहेगा वो पांच फूड आइटम जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी दिन पे दिन बढ़ेगी। दूसरी चीज, आपको कुछ हैबिट्स दूंगी जो आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपने डे रूटीन में लेकर आना है, जिससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वो कौन से पांच पावरफुल फूड है जो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, आपको हेल्दी बना के रखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो पांच कौन से पावरफुल फूड है जो आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए ताकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले है बादाम, एलमंड्स, जिसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशंस और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6, विटामिन ई, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो कि आपके शरीर को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी दूर रखता है। तो इसे नियमित रूप से ज़रूर खाना चाहिए। बादाम खाने का जो सही तरीका है और टाइम ये है कि आप इसे ओवरनाइट पानी में सो करके रख दीजिए और मॉर्निंग में खाली पेट खाइए। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। करते हैं अखरोट की, जिसको हम वॉलनट कहते हैं। वॉलनट पे भी काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और आयरन भरपूर मात्रा में है, जो हमें कई सारे रोगों से बचाता है। स्पेशली ये हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। खाने का जो सही तरीका है वो ये कि इसे सुबह खाली पेट खाया जाता है। आप 2 वॉलनट ले सकते हैं और जो आपने बादाम भिगो के रखे उसे साथ में खा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम अलसी के बीज भी बोलते हैं। इसमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही इसमें औषधीय गुण है, जो आपको कई सारे रोगों से भी बचाता है। सर्दियों में इसका सेवन करना बहुत यूजफुल होता है। इसके आप लड्डू भी बना के खा सकते हैं। 1 चम्मच डेली अलसी के बीज का पाउडर बना के आप खा सकते हैं। उसके लिए अलसी के बीज को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और उसका पाउडर बना के रख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लहसुन की, गार्लिक की। स्पेशली विंटर्स में इसके काफ़ी फायदे हैं। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपको हर तरीके के बीमारियों से बचाता है। साथ ही साथ इसका खाली पेट सुबह सेवन करने से आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। चलिए अब बात करते हैं हल्दी, टर्मरिक की, जिसको हम एक मसाले के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके कई सारे फायदे, इसके अंदर कई सारे गुण हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी यूज़फुल है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल एंड एंटीसेप्टिक के रूप में पाया जाता है, जो आपको कई सारे रोग बीमारियों से बचाता है। हल्दी का सेवन तो हम मसालों के रूप में डेली करते हैं, लेकिन आप विंटर्स में इसे दूध में या गर्म पानी में ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंडा, मतलब एग की, जिसको हम एक सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 पाया जाता है। एग के सेवन से आपको एनर्जी तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपके बोन्स को मजबूत बनाता है और आपके आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं सिट्रस फूड, खट्टे फल की, जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आता है नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला आदि। सिट्रस फूड में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें फाइबर, पोटेशियम, फॉलेट, कैल्शियम, थायमिन, नाइसिन, विटामिन सी बहुत ज़्यादा
मात्रा में होते हैं जो आपको हर तरीके के रोगों से बचाता है, साथ ही साथ आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सके, क्योंकि इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती है जो आपको तरह तरीके के वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। चलिए अब बात करते हैं हम ऐसे हैबिट्स की जो हमें डेली अपनाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले आपको अपने हैंड्स प्रॉपर वॉश करने चाहिए, स्पेशली कुछ भी खाने से पहले। इससे क्या होगा, जर्म्स स्प्रेड नहीं होंगे, जिससे आप अपने और अपने फैमिली को हर तरीके की बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टिप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जितना आप पानी पियेंगे उतना ही आपके अंदर की गंदगी निकलेगी, आपकी इनर बॉडी क्लीन होगी और अंदर से सारे टॉक्सिन्स जब निकल जाएंगे तो आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। नेक्स्ट टिप ये है कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का बना हुआ क्लीन हाइजीन युक्त खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। पर हमारी इम्यूनिटी जो वीक होती है उसका कारण बाहर का खाना भी होता है जो कि हाइजीनिक नहीं होता, गंदा होता है, जिससे जर्म्स पनपते हैं और हम बार बार बीमार पड़ते हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का बना हुआ ताज़ा गर्म खाना खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आप बीमार कम पड़े। और ये कुछ बेसिक हैबिट्स है जो मैंने चेकलिस्ट के फॉर्म में आपको दिया है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, तो इसे आप अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। सो गाइस, ये था आज का टिप्स जिसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि किस तरीके से आप अपने इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने जो इम्यूनिटी आपकी वीक हो चुकी है ना उसको स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि आप कम बीमार पड़े, और कम बीमार पड़ेंगे तो आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। घर में एक भी कोई बीमार पड़ता है ना तो आप देखना घर में फिर सारे लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे तो आपकी फैमिली भी स्ट्रांग बनेगी। तो चलिए, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स कुछ चीज़ें शेयर करी। आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ बहुत सारा शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी बी ब्यूटीफुल, गुड बाय।